सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आप लोग मैं टाइटल एंड थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि कौन सा ब्लॉग है। हाँ, ये मेरा अनबॉक्सिंग यानी कि मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। ये वीडियो मुझे पहले ही बनाना चाहिए था, लेकिन पहले मुझे इतना याद नहीं था, तो इसका वजह से मैं बना लगे नहीं सका। मतलब याद नहीं था तो कैसे बनाऊँ। तो इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा बारे में आप लोग को भी पता होना चाहिए, तभी जाके आप लोग मुझे पहचानोगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, कहाँ से आया हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीत दास है और मैं बेसिकली त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ नागालैंड पे, क्योंकि मेरा पिताजी यहाँ पे जॉब करता था। तो अभी तो नहीं है, अभी नहीं, मतलब नहीं करता है अभी जॉब। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे है। तो मेरा मोटो ब्लॉगिंग का शुरुआत हुआ है ये 2021 का जनवरी महीने से, मैंने चैनल बना के वही शुरुआत हुआ है। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था ये अंगपांग जाने वाला, तो वही मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मतलब मोटो ब्लॉग है। तो मोटो ब्लॉग मैंने ये यूट्यूब पे मोटो ब्लॉगिंग ये सब को देख के उनसे इंस्पायर होकर मैंने शुरू किया है मोटो ब्लॉग। तो पहले मैंने बाइक लिया, बाइक लेने के बाद एक छोटा सा एक सस्ता वाला एक्शन कैम लिया और मैं भी शुरू हो गया। अब आजकल तो देखिए हर कोई मतलब कैमरा उठाता है और ब्लॉगिंग के लिए शुरू हो जाता है, सबका जोश वही है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था और मैं बेसिकली करता कुछ भी नहीं हूँ, मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। तो मैं भी सोचा कि ब्लॉगिंग क्यों ना कर लूँ, मैं भी हर कोई कर रहा है तो मैं भी कर लूँ बोल के। तो ब्लॉगिंग का शुरुआत मेरा ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद मैंने ये एक्शन कैम छोटा वाला लिया था, उसी से मेरा चालू था। ऐसे 10-15 वीडियो बना लिया तो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो सोचा कि एक गोप्रो ले लूँ। तो गोप्रो का दाम थोड़ा हाई था, इसका वजह से मैंने DJI Osmo लिया है। तो थोड़ा बहुत उससे तो कम ही है, लेकिन क्वालिटी तो एक ही एक का जैसा बराबर ही है। तो DJI Osmo लिया, अभी उसी से मैं ब्लॉग मतलब मोटो ब्लॉग करता हूँ और ब्लॉगिंग भी करता हूँ मैं, ऐसे टाइम टू टाइम मतलब करते रहता हूँ। तो ऐसे करते करते मतलब पूरा खर्चा हो गया। ऐसे आप लोग को बताइए DJI Osmo भी कितना पड़ता है, दाम तो है और मिडिल क्लास वाले के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दाम है। बोलिए मिडिल क्लास वालों का क्या होता है, मतलब से ड्रीम बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन हकीकत में करने के लिए बहुत ही टाइम लग जाता है और ये पूरा होगा नहीं, उसका भी गारंटी नहीं है। तो ऐसा ही करते हैं, अभी मेरा जेबी भी खाली हो गया, इसलिए मैं लॉन्ग राइड भी जाने के लिए नहीं सक रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक जाके आया था लोंगवा बोल के, अगर आप लोग ने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अब मैं प्रमोशन भी कर रहा हूँ एक वीडियो में दूसरे वीडियो का, प्रमोशन तो होना चाहिए। तो यही है मेरा एक छोटा सा वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन वाला। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और नया वीवर से तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अभी अगली वीडियो पे, टिल देन सायोनारा।